स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट 4 चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे। और इससे पहले मैं 3 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं कोई वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अपने 7 सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैंने सभी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो मैंने चारों के 3-3 यूनिट जो है ऑलरेडी फिनिश करा दिए। और उसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर डले हुए हैं, तो जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, तो सारा मटेरियल जो पढ़ा हुआ है टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी उसकी प्रॉपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके चेक कर लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट 4 चैप्टर नंबर 1 आज हम इसमें देखने वाले हैं, जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी। और ये जो चैप्टर है और ये जो टॉपिक है गैस क्रोमेटोग्राफी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जो है एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इस पूरे चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लेना। और जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उन्हें ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जो कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़्यादातर कमेंट के रिप्लाई दे देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी का, उसे हम पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। और ये जो चैप्टर है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसमें टफ होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए बहुत आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं थ्योरी को पढ़ते चलता हूँ और जो ऐसे आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझाता चलूँगा। तो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है कि गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग कंपाउंड्स इन एन अननोन सैंपल। तो क्रोमेटोग्राफी होता क्या है कि कोई भी जो अननोन सैंपल है उसमें अगर हमें पता लगाना है कि कितने तरह के कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी अननोन सैंपल है तो उसका हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और हम जो पता लगाते हैं क्रोमेटोग्राफी से कि कितने टाइप के कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम उन्हें सेपरेट करके और हम जो पता लगाते हैं, तो यही हमारा क्रोमेटोग्राफी होता है। तो हमने क्रोमेटोग्राफी के अलग अलग हमने मेथड पढ़े थे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था हमने, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे वहाँ पे पढ़े थे। तो सब में हमने जो अलग अलग मेथड देखे थे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखा था, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देखा था, तो सब में हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे। तो क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली दो चीज़ों का मेन रोल रहता है, एक हमारा रहता है स्टेशनरी फेज, एक हमारा रहता है मोबाइल फेज। तो उन्हीं दोनों की हेल्प से हम क्या है, किसी भी अननोन सैंपल को हम सेपरेट करते हैं उसके कंपोनेंट को, और फिर हम जो उन्हें एनालाइज करते हैं। तो जितने भी हमारे क्रोमेटोग्राफी के मेथड हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किसी किसी में हमने सॉलिड जो है स्टेशनरी फेज लिया है, किसी में हमने लिक्विड लिया है, किसी में हमने मोबाइल फेज को जो है सॉलिड लिया है, किसी में हमने मोबाइल फेज को लिक्विड फॉर्म में लिया है। तो वहाँ पे क्या अलग अलग सिस्टम था, तो आप जाके देख लेना अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं। तो सेम उसी तरह से हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है, ये भी हमारा एक कॉमन सा मेथड है क्रोमेटोग्राफी का। और इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो अननोन सैंपल में जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम सेपरेट करते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं। तो सिंपल सा इसका भी हमारा सेम उन्हीं की तरह फंडा है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं जो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये तो हो गया गैस क्रोमेटोग्राफी का पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की हम बात करें कि इन दिस मेथड गैस इज यूज्ड एज मोबाइल फेज एंड सॉलिड और लिक्विड इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो मोबाइल फेज होता है उसमें हम गैस यूज करते हैं, ठीक है, और जो स्टेशनरी फेज होता है उसमें हम सॉलिड और लिक्विड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी में हम सॉलिड का इस्तेमाल करते हैं, किसी किसी में हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मोबाइल फेज होता है उसमें हम गैस को यूज करते हैं, उसमें हम सॉलिड लिक्विड का यूज नहीं करते, उसमें केवल हम गैस का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गैस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन गैस क्रोमेटोग्राफी मूविंग गैस फेजेज पास्ट ओवर अ स्टेशनरी फेज टू सेपरेट द मिक्सचर कंपोनेंट। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो गैस फेज रहता है यानी मूविंग गैस पे जो मोबाइल फेज रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं गैस को जो है मूव कराते हैं और वो क्या है स्टेशनरी फेज से होकर जो निकलती है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर तो वो सेपरेट हो जाते हैं। इसके प्रिंसिपल के बारे में हम अभी बात करेंगे, इसकी वर्किंग को हम समझेंगे, फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसलिए आप एक एक पॉइंट को बस ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस मेथड इज फर्स्ट यूज्ड बाई एटी जेम्स एंड पी मार्टिन इन 1952 फॉर सेपरेटिंग लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इस मेथड को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, दो साइंटिस्ट थे हमारे एटी जेम्स और पी मार्टिन, ठीक है, इन्होंने 1952 में इस मेथड को इस्तेमाल किया था। और किस लिए इस्तेमाल किया था, फॉर सेपरेटिंग लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। तो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड को सबसे पहले यूज किया गया था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें बेसिकली दो टाइप की होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी। पहला रहता है हमारा गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम GSC के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम GLC के नाम से भी जानते हैं।
तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। तो जो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होता है, तो इसमें मोबाइल फेज रहता है वो गैस रहता है ना, जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड रहता है। ठीक है, तो नाम से ही जो है दोनों चीज़ आपको पता चली है कि मोबाइल फेज हमारा गैस है, स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड रहेगा। दूसरा हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसमें मोबाइल फेज हमारा गैस रहेगा और स्टेशनरी फेज हमारा लिक्विड रहेगा। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, दोनों के नाम के हिसाब से ही आप दोनों का मतलब समझ सकते हो। तो गैस क्या है, दोनों में सेम रहेगी, यानी मोबाइल फेज दोनों में सेम रहेगा, लेकिन क्या है जो स्टेशनरी फेज है वो चेंज हो जाएगा। एक में सॉलिड यूज करेंगे, इसमें एक में हम लिक्विड यूज करेंगे। तो बस ये हमारे दो टाइप हो गए गैस क्रोमेटोग्राफी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल में आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप मोटा मोटा सा थोड़ा प्रिंसिपल बता दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ है, इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए, तो प्रिंसिपल में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल इसका बिल्कुल सिंपल सा है। प्रिंसिपल हम क्या है, बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल होते हैं तो वो दोनों हम पढ़ चुके हैं पहले। एक एडजॉर्प्शन था हमारा, एक पार्टीशन था, उसमें फिर क्या हमारे अलग अलग क्रोमेटोग्राफी के मेथड आ जाते हैं। तो जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की हम बात करें कि सेपरेशन में कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, तो दोनों प्रिंसिपल होते हैं, पार्टीशन भी होता है एडजॉर्प्शन भी होता है। जो पार्टीशन यूज होता है वो हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, और जो हमारा एडजॉर्प्शन रहता है वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में रहता है। तो दोनों जो मेथड है दोनों में अलग अलग हमारा प्रिंसिपल यूज होगा। तो पार्टीशन और एडजॉर्प्शन, तो दोनों में आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, दोनों प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी की, किस तरीके से ये जो मेथड है ये काम करता है हमारा, किस तरीके से जो सेपरेट होते हैं कंपोनेंट किस तरीके से होते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसकी थ्योरी को हम डायग्राम की हद से समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, तो आप ज़्यादा आसान तरीके से समझ पाएंगे कि आगे चल क्या रहा है इसमें। तो ये हमारा डायग्राम, ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, लेकिन हम इसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी हेल्प से समझ लेते हैं कि होता क्या है, किस तरीके से काम करता है ये। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन ये गैस क्रोमेटोग्राफी है तो इसमें हम मोबाइल फेज में हम क्या गैस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का एक गैस सिलेंडर होता है, और इसमें से जब हम नॉब को ओपन करते हैं तो इसमें से गैस निकल के और इस तरीके से जाती है। यहाँ पे हमारा गैस फ्लो कंट्रोलर रहता है, जो क्या करता है गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा होने से रोकता है, एक कांस्टेंट वे में क्या गैस को यहाँ से फ्लो कराता है। फिर हम क्या करते हैं कि इस तरह की एक कॉलम की एक ट्यूब होती है, इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो ये जो कॉलम है वो इस तरीके से होता है, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है, यू शेप में हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, बेंट भी हो सकता है, ठीक है, और इस तरीके से क्या है हेलिक्स स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, इस तरह की एक ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है, और वो क्या है फिर हमारी डिटेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, तो उसे हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। और ये जो हमारी ट्यूब है, ये जो कॉलम है हमारा, ये क्या रहता है, ये हमारे एक थर्मल चैम्बर के अंदर बंद रहता है, ठीक है। थर्मल चैम्बर में हम ओवन का भी यूज कर सकते हैं, और भी हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो कॉलम है इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या हमारा थोड़ा सा गर्म रहता है, ठीक है, यानी एक थर्मल चैम्बर रहता है जिसके अंदर ये कॉलम प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो जैसे हमने सैंपल को यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने इसके अंदर से पुश किया, तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है एक सैंपल इंजेक्टर पोर्ट रहता है। तो जैसे ये लिक्विड फॉर्म में जो सैंपल है, जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये हमारा क्या प्री हीटेड रहता है, थोड़ा सा हीटेड रहता है पहले से ही। तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे गैस को यहाँ से फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या इसके अंदर आके मिक्स हो जाएगी और फिर यहाँ से जो है पास होना शुरू हो जाएगा। अब सेपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से गैस का फ्लो हम उसे हम चालू कर देंगे, और गैस हमारी सैंपल के साथ मिक्स होकर इसके अंदर से पास होना शुरू हो जाएगी, यानी सैंपल हमारा क्या है इस कॉलम के अंदर से पास होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल काम करेगा, और जैसे ही इसके अंदर से पास होने लगेगा सैंपल, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है लिक्विड के अंदर, ठीक है, यानी स्टेशनरी फेज के अंदर, उसके साथ अगर वो अच्छे से सॉल्युबल हैं, अच्छे तरीके से उसके साथ मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो चलने की यानी उनका जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी स्लो होगा, ठीक है, तो वो काफ़ी स्लोली स्लोली मूव करके बाहर निकलेंगे। और उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे कंपोनेंट होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल कम होगी, वो अच्छे तरीके से हमारे जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, तो वो काफ़ी तेज़ी से मूव करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो तेज़ी से मूव करेंगे तो वो हमारे पहले बाहर निकल जाएंगे, यानी पहले हमारा जो डिटेक्टर है उन्हें डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो तेज़ी से मूव करके बाहर निकल गए तो पहले वो निकल जाएंगे, फिर जो स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो वो क्या है बाद में निकलेंगे। इस तरीके से हमारा सेपरेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दो तरह के हमारे जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो दोनों तरीके के कंपोनेंट की क्या है अलग अलग मूवमेंट होगी, ठीक है। तो जो पहले निकल जाएंगे वो एक तरह के कंपोनेंट हो जाएंगे, जो बाद में निकलेंगे वो हमारे दूसरे तरीके के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा सेपरेशन होता है।
ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो सेपरेशन है वो डिजिटल ही होता है, क्योंकि जैसे ही कंपोनेंट है वो हमारा यहाँ पे पहुंचेगा तो डिटेक्टर उस सैंपल को डिटेक्ट करेगा कि कौन से तरह का कंपोनेंट पहले बाहर आया है, तो वो उसे डिटेक्ट करके वो क्या करेगा, उसे एम्पलीफाई करेगा और फिर रिकॉर्डर में क्या है उसकी जो रीडिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सैंपल का एनालिसिस करेंगे और हम जो है पता लगाएंगे कि कितने तरह के कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है और हम उनका सेपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी की सिंपल सी वर्किंग। ठीक है, इस पर आपको जो है ध्यान देना है। और यहाँ पे हम वापस थ्योरी पे आ जाते हैं। थ्योरी में भी सिंपल हमारा ऐसे लिखा हुआ है कि द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड इज कन्वर्टेड टू वेपर एंड मिक्स्ड विद गैसियस मोबाइल फेज। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, जिसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वो सेपरेट कैसे होगा, हमारा सेपरेट कैसे होगा, पहले वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो थर्मल चैम्बर है उसके अंदर थोड़ी हीट ज़्यादा है, तो जैसे वो लिक्विड फॉर्म में जो सैंपल है हमारा, जैसे वो उसके अंदर आएगा कॉलम के अंदर, तो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो जो हमारा गैसियस फेज है, जो मोबाइल फेज है हमारा, तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा और फिर इस तरीके से हमारा सेपरेशन शुरू हो जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं सेपरेशन होगा कैसे, तो एक सैंपल के अंदर कितने भी तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट जो क्या है सॉल्युबल होंगे, स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्युबल होंगे, तो वो काफ़ी स्लोली जो है ट्रेवल करेंगे और इल्यूटेड लेटर, ठीक है, यानी कि वो बाद में जो है बाहर निकलेंगे। और ऐसे कंपोनेंट उस सैंपल के अंदर जो क्या लेस सॉल्युबल हैं, यानी जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है स्टेशनरी फेज के अंदर, ठीक है, तो वो क्या ट्रेवल फास्टर, यानी वो क्या करेंगे, ट्रेवल काफ़ी तेज़ी से करेंगे और पहले जो है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो कंपोनेंट है उनका सेपरेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारी थ्योरी हो गई। इसके अलावा हम बात करें, इफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड हैविंग सेम पार्टीशन कोफिशिएंट सो दे सेपरेटेड आउट अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन कोफिशिएंट। तो अगर उस सैंपल के अंदर ऐसा हुआ कि उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उनका सेम जो है पार्टीशन कोफिशिएंट है, तो उनका जो सेपरेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू पार्टीशन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में आपको पहले ही बता चाहूँ अलग अलग मेथड्स में, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। तो ये हमारी सिंपल सी थ्योरी होगी, सिंपल सा प्रिंसिपल हो गया, इस तरीके से काम होगा यहाँ पे हमारा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, ठीक है, कि इसमें क्या क्या जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो सिंपल सा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है कि इसमें हम क्या है, एक गैस चैम्बर लेते हैं, एक गैस कैरियर होता है, ठीक है, एक कैरियर बोलते हैं सेम, और ये हमारी गैस की सप्लाई है, इस तरह का सिलेंडर होता है। कैरियर में हम अलग अलग तरह की गैसेज का यूज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारा गैस फ्लो कंट्रोलर लगा रहता है जो गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है। यहाँ हमारा सैंपल होता है इसके अंदर, और ये हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट रहता है जिसमें हम सैंपल को जो है इसमें इंजेक्ट करते हैं। ये हमारा कॉलम रहता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ हमारा डिटेक्टर होता है, ये हमारा एम्पलीफायर होता है जो क्या सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उन्हें एम्पलीफाई करता है। इसके अलावा एक हमारा थर्मल चैम्बर रहता है जिसमें हम ओवन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एक हमारा कॉलम तो रहता ही है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये हमारा डायग्राम होगा, ये आपको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, और एग्जाम में आता है तो जो बना सकते हो। अब हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं, तो सभी के बारे में नहीं लिखना है आपको, बेसिकली चार चीज़ों के बारे में आपको लिखना है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो हम बात कर लेते हैं चारों की। तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है कैरियर, ठीक, तो कैरियर में हम क्या है गैस का यूज करते हैं, यानी मोबाइल फेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट रहता है, तीसरा हमारा कॉलम रहता है, और चौथा हमारा डिटेक्टर रहता है। डिटेक्टर्स हमारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको शॉर्ट में भी लिखाऊंगा और फिर मैं आपको लॉन्ग में भी लिखा दूंगा, क्योंकि कई बार क्या है इसे 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है डिटेक्टर्स को, क्योंकि ये जो डिटेक्टर्स हैं ये हमारे 5-6 तरीके के रहते हैं, और कई कई बार क्या है एग्जाम में जो 6 डिटेक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देता है, तो ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, तो मैं आपको लॉन्ग में भी लिखा दूंगा। तो बेसिकली हम इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर गैस के बारे में, चलिए तो अब बात कर लेते हैं कैरियर गैस के बारे में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है गैस क्रोमेटोग्राफी में, कि यहाँ पे जो गैस का जो फ्लो है, यानी जो हम मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं उसमें हम गैस का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है हाईली कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, कि जो गैस जो फ्लो होके जा रही है, ठीक है, तो वो क्या है कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं गैस ज़्यादा जो है फ्लो हो रही है, कहीं एकदम से कम हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी काफ़ी एफिशिएंट तरीके से हो, तो उसके लिए हमें क्या है एक हाईली कांस्टेंट कैरियर गैस फ्लो रेट चाहिए, ठीक है। तो गैस क्या है काफ़ी अच्छे तरीके से जो फ्लो होनी चाहिए, कांस्टेंट वे में फ्लो होनी चाहिए, तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। सेकंड हम बात करते हैं कि जो कैरियर गैस रहती है सिलेंडर टैंक के अंदर वो बंद रहती है, तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, तो एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर कैरियर गैस हमारी भरी हुई होती है, तो ये हमारी पास होती है एक फ्लो मीटर से होते हुए, एक फ्लो मीटर होता है जहाँ पे गैस का फ्लो जो है मेजर किया जाता है। इसके अलावा एक हमारी मेटल की कैपिलरी ट्यूब रहती है, ठीक है, जिससे होते हुए हमारी जो गैस है वो फ्लो होती है। ये हमारी कुछ फीट की होती है, ठीक है, यानी 1 फीट की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की एक कैपिलरी से जो गैस है वो फ्लो होती हुई जाती है, और एक वहाँ पे प्रेशर गेज लगा रहता है जिससे हम प्रेशर को जो है कंट्रोल करते हैं और हम उसे मेजर भी करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें तो जो फ्लोमीटर रहता है, ठीक है, तो उसकी जो रेंज रहती है वो 0 से 20 ml पर मिनट रहती है, यानी गैस की जो फ्लो होने की जो कैपेसिटी है वो इतनी होनी चाहिए, 0 से 20 ml पर मिनट, एक मिनट में इतनी गैस फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो गैस का जो फ्लो रेट रहता है वो हमारा एडजस्टेबल रहता है, उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उसमें वहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटर लगा रहता है, जैसे हम किचन की जो गैस रहती है उसे हम कंट्रोल करते हैं ना रेगुलेटर से, कहीं ज़्यादा कर दी कहीं कम कर दी, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, हम गैस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्या है एक प्रेशर रेगुलेटर रहता है। तो ये हमारे कैरियर गैस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, और किस तरीके से जो यूज करते हैं ये भी हमने जान लिया यहाँ पे। अब इसी में हम बात करते हैं कि कितने तरह की कैरियर गैस जो है यूज़ की जाती है गैस क्रोमेटोग्राफी में। सबसे पहला आता है हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी रहती है तो ये काफ़ी अच्छी रहती है, और इसकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी लोअर रहती है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको दो दो पॉइंट लिखने हैं। डीमेरिट की हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं तो उनके साथ ये रिएक्ट कर जाती है, इसके अलावा इसका जो नेचर होता है वो हजार्डियस और एक्सप्लोजिव नेचर रहता है इस गैस का, यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो थोड़ी एक्सप्लोजिव होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीलियम गैस के बारे में, तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी रहती है एक्सीलेंट रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है, इसके अलावा इसकी भी डेंसिटी क्या है लो रहती है, और ये क्या है इनर्टनेस रहती है, यानी किसी भी जो भी वहाँ पे जो फ्लूइड वगैरह उसके साथ रिएक्शन नहीं करती है। इसका जो फ्लो रेट रहता है तो वो भी काफ़ी तेज रहता है, और इसके एक और पॉइंट की हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी रहती है, हाईली एक्सपेंसिव रहती है, ये हमारी हीलियम गैस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में, तो इट ऑफर्स रिड्यूस सेंसिटिविटी एंड इज एक्सपेंसिव, तो ये क्या है इसकी जो सेंसिटिविटी होती है काफ़ी कम होती है, और ये क्या महंगी भी होती है, ठीक है। तो जो हीलियम और जो नाइट्रोजन रहते हैं हमारी काफ़ी महंगी गैसेज रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर की, जिसमें हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हमारी जो ऑक्सीजन रहती है ये बेनिफिशियल रहती है, ठीक है। जो डिटेक्टर सेपरेशन रहता है जिसमें हम डिटेक्टर्स की हेल्प से सेपरेशन करते हैं, तो अगर हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर वो डिटेक्टर सेपरेशन के लिए अगर बेनिफिशियल है तो हम उसका यूज करते हैं, और हर टाइम हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ गैसेज हैं जिसे हम कैरियर गैस की तरह यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। सेकेंड हम बात करते हैं सैंपल इंजेक्शन पोर्ट सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल इंजेक्शन रहता है, तो सैंपल जो होता है हमारा, तो उसे हम क्या कहते हैं कि इंजेक्शन से हम उसे इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। सैंपल से हमारे इंजेक्शन रहते हैं, उसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे अभी, ठीक है। तो सैंपल इंजेक्शन सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये हमारा एक क्रिटिकल रहता है, ठीक है। क्रिटिकल इसलिए रहता है क्योंकि हमें क्या जो सैंपल रहता है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में जो है चाहिए रहता है, ठीक है। तो जो सैंपल का जो इंजेक्शन होगा तो उसे हमें इस तरीके से इंजेक्ट करना है कि बहुत स्मॉल अमाउंट जो है सैंपल का जो हमारा कॉलम है उसके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी क्रिटिकल रहता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक हमारा गुड और एक अच्छा आइडियल सैंपल इंजेक्शन सिस्टम हमारा वो होता है जिसमें कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एक तो वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, जहाँ पर हम सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जाते ही वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे क्या है प्रेशर की वजह से उसमें कुछ चेंज नहीं आने चाहिए। तीसरे हम बात करें तो वो क्या है फ्रैक्सनेशन, यानी वो क्या है फ्रैक्सनेशन से होकर गुजरना नहीं चाहिए, यानी उसके फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए कि जैसे वो गया तो छोटे छोटे अमाउंट में जो टूट जाए वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कंडेंसेशन भी नहीं होना चाहिए, कंडेंसेशन का मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसका एडजॉर्प्शन वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है एक हमारा जो अच्छा जो हमारा इंजेक्शन सिस्टम रहता है सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ों को जो ध्यान रखना है, ठीक है, और वही हमारा अच्छा इंजेक्शन सिस्टम होता है जिसमें क्या है ये हमारी तीन चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर सैंपल इंजेक्शन पोर्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इसमें लिक्विड सैंपल्स की, लिक्विड सैंपल्स को जो किस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है कॉलम के अंदर। तो जो लिक्विड सैंपल रहते हैं तो इनको इंजेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, तो हमारी कुछ हाइपोडर्मिक सिरिंज रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल ऐसी सिरिंज रहती है जैसे हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं ना, ठीक है, दवाइयों वाले, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या है सिलिकॉन, तो उसके अंदर भी क्या एक रबर रहती है, तो ऐसे इसके अंदर सेल्फ सीलिंग सिलिकॉन रबर का एक सेप्टम रहता है हमारा, और जैसे हम लिक्विड को क्या इंजेक्ट करेंगे तो वो जो लिक्विड सैंपल है हमारा वो क्या एक प्री हीटेड मेटल ब्लॉक फ्लैश एवेपोरेटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। कि मैंने आपको जो बताया था ना कि जो पोर्ट होता है, जैसे मैं आपको डायग्राम में एक और बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है याद आ जाए। तो जैसे हमने सैंपल को यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने इसके अंदर से पुश किया तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है एक सैंपल इंजेक्टर पोर्ट रहता है। तो जैसे ये लिक्विड फॉर्म में जो सैंपल है जैसे ही इसके अंदर आएगा तो हमारा क्या प्री हीटेड रहता है, थोड़ा सा हीटेड रहता है पहले से ही, तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे गैस को यहाँ से फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या इसके अंदर आके मिक्स हो जाएगी और फिर यहाँ से जो है पास होना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरीके से कुछ हमारा ये सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड सैंपल्स की, तो सॉलिड सैंपल को किस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है। तो दीज आर आइदर डिजॉल्व इन अ वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। तो या तो जो सॉलिड सैंपल होते हैं उन्हें हम पहले वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर हम उन्हें डिजॉल्व कर लेते हैं, उन्हें भी हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर हम उन्हें क्या टेम्परेरी जो है लिक्विफाइड कर लेते हैं। और टेम्परेरी लिक्विफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंफ्रारेड जो हीट रहती है उसके एक्सपोजर में हम सॉलिड जो सैंपल उसे रख देते हैं तो वो लिक्विडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो तरीकों से जो है सॉलिड सैंपल्स को हम जो इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस सैंपल्स की। तो गैस सैंपल्स को काफ़ी आसान तरीके से जो इंजेक्ट किया जा सकता है, तो इन्हें इंजेक्ट करने के लिए क्या है गैस लाइट सिरिंज रहती हैं, यानी छोटी छोटी सिरिंज रहती हैं, हल्की सिरिंज रहती हैं, ठीक है। तो उनमें हम गैस को फिल करके हम क्या कर सकते हैं उन्हें इंजेक्ट कर सकते हैं, और या फिर जो गैस सैंपलिंग वाल्व रहते हैं, ठीक है, तो उनका भी इस्तेमाल करके हम गैस सैंपल्स को जो है इंजेक्ट कर सकते हैं कॉलम के अंदर। और जो गैस सैंपलिंग वाल्व रहते हैं तो, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं स्ट्रीम स्प्लिटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम गैस सैंपल्स को जो है इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम यूनिट के बारे में, ठीक है। जो कॉलम यूनिट रहती है हमारी, जिसमें क्या हमारा स्टेशनरी फेज रहता है, तो ये काफ़ी अलग अलग तरह की होती है। तो अभी टाइप्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो कॉलम्स आर डिफरेंट शेप साइज एंड इंक्लूड यू टाइप एंड कॉइल्ड हेलिक्स टाइप, ठीक है। तो जो कॉलम्स होते हैं हमारे वो क्या अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, जो क्या है यू शेप के भी होते हैं, इस तरीके से यू शेप के भी होते हैं, और क्या है हमारे कॉइल हेलिक्स टाइप के भी होते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से क्या हेलिक्स स्ट्रक्चर में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे आर मेनली मेड ऑफ कॉपर स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम ग्लास नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक प्लास्टिक। और ये किस चीज़ के बने होते हैं जो कॉलम होते हैं, तो ये बेसिकली कॉपर के भी हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के भी, एल्यूमिनियम ग्लास नायलॉन और अदर जो हमारी सिंथेटिक प्लास्टिक्स होती हैं तो उनके ये बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्ट मीडियम की, कि जो कॉलम होता है उसके अंदर हम सपोर्ट मीडियम का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट मीडियम का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि उसके अंदर जो हम स्टेशनरी फेज ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाए, तो इसके लिए हम सपोर्ट मीडियम का यूज करते हैं। और एक जो हमारा आइडियल सपोर्ट सिस्टम रहता है, हमारा आइडियल सपोर्ट मीडियम रहता है, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे उसका जो सरफेस एरिया है वो हमारा लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए कि जो हम उसके अंदर स्टेशनरी फेज ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या उसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो शुड गेट यूनिफॉर्मली वेट विथ, ठीक है, तो जो भी हम लिक्विड उसमें स्टेशनरी फेज में ले रहे हैं तो जो सपोर्ट मीडियम है तो आसान तरीके से उसके साथ गीला होना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये थर्मोस्टेबल होना चाहिए, यानी अगर हम हीट को बढ़ाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो ये हमारे सपोर्ट मीडियम की कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो ऐसा हमारा सपोर्ट मीडियम होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट बात करते हैं कि जो सॉलिड फेज रहता है, ठीक है, जो स्टेशनरी फेज में अगर हम सॉलिड का यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो है क्या क्या चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड फेज में, तो एक तो हमारा डाई एटोमियस अर्थ, या फिर जैसे हम बोलते हैं कीसल गुर ग्लास बेड्स, उनका हम यूज करते हैं, या फिर क्या हम पोरस पॉलीमर का भी यूज करते हैं, या हम सैंड का भी, और अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं सॉलिड में तो उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड फेज की अगर हम बात करें तो लिक्विड फेज में हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं और उसकी जो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो स्टेशनरी फेज में हम लिक्विड लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, तो एक तो हमारा ये नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं इसका तो जो डिकम्पोजिशन होना चाहिए उसका, तो वो क्या काफ़ी लेट होना चाहिए, यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर पर उसका डिकम्पोजिशन होना चाहिए, हल्के फुल्के टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसमें हम दो तरह के लिक्विड फेज का इस्तेमाल करते हैं, एक नॉन पोलर एक पोलर। नॉन पोलर की हम बात करें तो पैराफिन ऑयल इसमें हम यूज करते हैं, हम सिलिकॉन ऑयल भी यूज करते हैं, सिलिकॉन रबर गम भी यूज करते हैं, और इसका जो टेम्परेचर रहता है काफ़ी हाई रहता है, यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर तक ये स्टेबल रहता है। पोलर की हम बात करें तो पॉलीग्लाइकोज, ठीक है, जिसे हम कार्बोबैक्सिस भी बोलते हैं, तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या रहता है कॉलम, यहाँ पे हम उसकी और भी क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं, और भी उसकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम रहता है तो हमारा ग्लास का या मेटल का भी हो सकता है, और इसका जो डायमीटर रहता है, ठीक है, तो वो हमारा 4.8 mm तक रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है तो वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये कुछ हमारे सेंटीमीटर से लेके 100 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके शेप और साइज़ की, तो ये कॉइल्ड फॉर्म में भी हो सकता है, बेंट में भी हो सकता है, और स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम की। तो सबसे पहले हमारा पैक्ड कॉलम आता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो जीएलसी में किया जाता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। तो दे आर डेंसली पैक्ड विद फाइनली डिवाइडेड इनर्ट सॉलिड सपोर्ट मीडियम, ठीक है, और सॉलिड सपोर्ट मीडियम मतलब डाई एटोमियस अर्थ एंड कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें यूज किया जाता है कि जो हमारा जीएलसी में जो हम पैक्ड कॉलम यूज करते हैं तो वो क्या है फाइनली डिवाइडेड रहता है, इनर्ट रहता है, उसमें क्या है सॉलिड सपोर्ट मीडियम भी होता है, और ये क्या कोटेड रहता है हमारा लिक्विड स्टेशनरी फेज से, ठीक है।
और जो हमारा जीएससी रहता है तो पैक्ड कॉलम हम दोनों में यूज करते हैं, जीएलसी में भी करते हैं, जीएससी में भी करते हैं, ठीक है। तो जीएलसी में तो सिंपली क्या है, लिक्विड की क्या है, इसमें कोटिंग रहती है, यानी जो स्टेशनरी फेजेस के अंदर भरा होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में भरा होता है और पूरी तरह से भरा होता है, इसलिए क्या है ये पैक्ड होता है हमारा अंदर से। दूसरा हमारा जीएससी रहता है, जीएससी में जो हमारा कॉलम रहता है तो वो भी हमारा पैक्ड रहता है, लेकिन उसमें हम क्या कुछ एडजॉर्बेंट्स का यूज करते हैं, जैसे हमारा पोरस पॉलीमर हो गया तो उसकी उसको हम इसके अंदर भर देते हैं, ठीक है। तो हमारा पोरस रहता है तो सैंपल हमारा आसान तरीके से उसके अंदर से निकल पाता है। इसकी जो लेंथ रहती है तो वो हमारी 1.5 से 10 मीटर तक हो सकती है ना, और जो इसका इंटरनल डायमीटर रहता है यानी जो अंदर का डायमीटर रहता है तो वो हमारा 2 से लेकर 4 mm तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम टाइप की बात करें तो कैपिलरी कॉलम आता है और इसकी जो लेंथ रहती है वो 10 से लेकर 100 मीटर तक होती है। इनर डायमीटर इसकी कितनी होती है, 0.1 से लेकर 0.5 mm तक होती है। ये भी हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा वॉल कोटेड कॉलम्स, दूसरा हमारा रहता है सपोर्ट कोटेड कॉलम्स। जो वॉल कोटेड कॉलम रहता है तो इसमें कुछ नहीं रहता है, सिंपली इसमें जो लिक्विड स्टेशनरी फेयर रहता है तो उसकी क्या कोटिंग रहती है उसकी बॉल्स पे चारों तरफ। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो जो कैपिलरी रहती है तो इसमें इसकी जो वॉल रहती है तो इस तरीके से क्या लिक्विड स्टेशनरी फेस से हम उन्हें कोट कर देते हैं अंदर से। दूसरा हमारा रहता है सपोर्ट कोटेड कॉलम, तो इसकी जो इनर वॉल रहती है, ठीक है, कैपिलरी के अंदर की, ठीक है, तो वो क्या एक थिन लेयर ऑफ सपोर्ट मटेरियल सच एज डाई एटोमियस अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं एक डाई एटोमियस अर्थ से, ठीक है, या फिर क्या है हम जो पॉलीमर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्या है उसमें इस तरीके से कोटिंग बना देते हैं। तो ये हमारा पोरस रहता है और इसे हम सिंपली एक और नाम से जानते हैं जो हमारा सपोर्ट कोटेड कॉलम रहता है, तो इसे हम पिलॉट भी बोलते हैं, यानी पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा ओपन तो रहता ही है और ये क्या पोरस भी रहता है हमारा, ठीक है, और ये हमारा कोटेड रहता है। तो हमने तीन तरह के पढ़ लिए, एक पैक्ड पढ़ लिया और दो हमने ओपन में देख लिए, यानी ओपन कैपिलरी में दो आ जाते हैं हमारे, एक पोरस लेयर ओपन ट्यूब आ जाती है, एक वॉल कोटेड ओपन ट्यूब आ जाती है। तो हमारा पैक्ड क्या है, हम पैक्ड हम दोनों में यूज करते हैं, जीएससी में भी करते हैं, जीएलसी में भी करते हैं। जीएलसी में हम क्या करते हैं लिक्विड भर देते हैं, यानी इसके अंदर तो लिक्विड भरा होता है तो पूरी तरह से पैक्ड होता ही है, लेकिन जो जीएससी होता है उसमें तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो पॉलीमर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं और वो क्या है पोरस होता है, ठीक है। ओपन में हमारे दो आ जाते हैं, पोरस लेयर आ जाता है जिसमें क्या है हम डाई एटोमियस अर्थ या फिर क्या हम पॉलीमर के इसके अंदर के एक इस तरह की हम जो लेयर बना देते हैं जो हमारी पोरस रहती है। दूसरा हमारा इसमें क्या रहता है वॉल कोटेड रहता है, यानी क्या ये भी हमारी ओपन रहती है लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टेशनरी फेज जो हम लिक्विड यूज करते हैं तो उसकी हम एक कोटिंग कर देते हैं इसकी बॉल्स के ऊपर। तो ये हमारे तीन तरह के हो गए हमारे कॉलम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेक्टर्स की और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने जितने भी कंपोनेंट पढ़े इंस्ट्रूमेंटेशन में तो ये हमारा लास्ट इसका कंपोनेंट है जो हमारा डिटेक्टर्स, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये हमारी चार चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ हम डिटेक्टर्स देखने वाले हैं और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इससे जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो या तो इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा जाता है पूरा, और अगर पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा जाता है तब जो हम डिटेक्टर के बारे में लिखते हैं तब हम थोड़ा ही लिखते हैं, यानी डिटेक्टर्स के हम नाम लिख देते हैं, है ना। और अगर केवल डिटेक्टर्स पूछा जाता है अलग से 5 नंबर में 7 नंबर में या 10 नंबर में अलग से डिटेक्टर को भी पूछ लिया जाता है तब हमें क्या करना रहता है कि डिटेक्टर्स को जो एक्सप्लेन करना रहता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आपको ध्यान देना है, और डिटेक्टर्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो आपको इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है पक्का, और वो भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेना पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन और इसके डिटेक्टर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं डिटेक्टर्स होते क्या हैं। तो डिटेक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं वो इल्यूट होके यानी जो सेपरेट होके ये डिटेक्टर के पास पहुंचते हैं, और डिटेक्टर क्या करता है कि इनके कंपोजिशन को डिटेक्ट करता है और फिर उन्हें क्या है सिग्नल में कन्वर्ट करके और फिर वहाँ पे क्या है जो मॉनिटर होता है या जो रीडर होता है वहाँ पे जो दिखा देता है। तो इस तरीके से हमारे डिटेक्टर काम करते हैं। डिटेक्टर भी हमारे कई तरीके के होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 6 तरीके के डिटेक्टर होते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो डिटेक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी एफ्लुएंट, ठीक है, जो कॉलम एफ्लुएंट का मतलब होता है कि कॉलम के अंदर जो हमारा सैंपल था, ठीक है, तो वो क्या सेपरेट होने के बाद जब वो डिटेक्टर के पास पहुंचता है तो डिटेक्टर उसे कैसे डिटेक्ट करता है। डिटेक्टर उसे इस तरीके से डिटेक्ट करता है कि जैसे ही जो एफ्लुएंट होता है, जैसे ही वो सैंपल होता है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और फिर वो क्या है हमारे डिटेक्टर के पास पहुंचते हैं। तो जितना भी कंपोजिशन होगा किसी भी एक कंपोनेंट का, ठीक है, तो उसके हिसाब से डिटेक्टर उसके कंपोजिशन को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद वो क्या रिकॉर्डर पे उसे रीड करेगा। इस तरीके से हमारे डिटेक्टर होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कंपोनेंट को, है ना। और एक और चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कैरियर गैस होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं कि जो सैंपल होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं कि कैरियर गैस का यूज करते हैं मोबाइल फेज की तरह।
तो उसमें क्या होता है कि कैरियर गैस भी क्या सैंपल के साथ मिक्स होकर उसे सेपरेट करते हुए जाती है। तो जो कैरियर गैस होती है, तो जो कैरियर गैस जब डिटेक्टर के पास पहुंचती है, तब जो हमारा डिटेक्टर वो हमारा जीरो सिग्नल दिखाता है। यानी अगर कैरियर गैस उसके पास पहुंचती है तब कोई भी सिग्नल नहीं दिखाएगा वो, और जैसे ही क्या जो कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट होकर उसके पास पहुंचते हैं, ठीक है, तब वो क्या है अपना सिग्नल जो है शो करने लगता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो डिटेक्टर होता है वो कंपोनेंट को डिटेक्ट करता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं इसके बेसिक से, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डिटेक्टर्स होते हैं कितने तरह के रहते हैं। तो बेसिकली ये 6 टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो 6 टाइप के आपको याद कर लेने हैं, और अगर आपसे गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा जाता है तब आपको जो डिटेक्टर्स के नाम नाम लिख देने हैं, क्योंकि और भी चीज़ें हो जाती हैं लिखने के लिए। और अगर केवल डिटेक्टर्स अलग से पूछ लिया जाता है तब आपको इन्हें एक्सप्लेन करना होगा। तो बेसिकली 6 तरह के हमारे जो डिटेक्टर्स हैं वो यूज किए जाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। पहला रहता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर TCD, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर FID, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर BCD, ये हमारा ECD होता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा थर्मियोनिक डिटेक्टर, जैसे हम NP-FID भी बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका नाम NP-FID क्यों है। और फिर आता है हमारा फ्लेम फोटोमेटिक डिटेक्टर यानी FPD, और फिर आता है हमारा फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर यानी PID। तो हमारे बेसिकली 6 तरह के होते हैं। यहाँ पे हम केवल 5 तरह के जो डिटेक्टर हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी एक हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे नहीं पूछा जाता कभी भी और उसे यूज भी नहीं किया जाता है, इसलिए हम 5 तरह के जो डिटेक्टर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर की। तो ये हमारा सबसे पहले जो डिटेक्टर यूज किए गए थे, तो उन्हीं में से एक हमारा डिटेक्टर है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, डिफरेंशियल थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, तो इट इज बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। तो सिंपली होता क्या है इसके प्रिंसिपल में, कि इधर से क्या है गैस को इन कराया जाता है, यानी जो सैंपल के बाद जो सेपरेट होके और जो कंपोनेंट्स इसके पास पहुंचते हैं, तो उसमें क्या है कैरियर गैस भी हमारी मिक्स रहती है। तो जो कैरियर गैस और जो सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं वो जैसे इससे होके पास होंगे, तो उनकी क्या अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से क्या ये डिटेक्टर क्या उसे डिटेक्ट करेगा। तो इससे ये पता लगेगा कि सैंपल के अंदर कितने टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और उनका क्या कंपोजिशन है। और जो थर्मल कंडक्टिविटी रहती है, ठीक है, गैस की, तो वो क्या करती है एज अ कंपोजिशन की तरह वो वर्क करती है। यानी थर्मल कंडक्टिविटी गैस की जो होती है वो कंपोजिशन की तरह काम करती है, और उसी से क्या है पता चलता है कि सैंपल में क्या है कितने अमाउंट में जो है कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर रहता है, तो ये सभी टाइप के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या है डिटेक्ट करता है। तो कुछ हमारे ऐसे भी कंपाउंड रहते हैं जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होते हैं, जो क्या है FID के द्वारा, ठीक है, जिन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उनको भी क्या है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और इसका छोटा सा प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम बनाने में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप क्या करना कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो तो आप क्या डायग्राम किस गूगल वगैरह से या किसी भी बुक से देख के आप खुद से बना के एक बार देख लेना। फिलहाल मैंने आपके लिए यहाँ पे सिंपल सा एक नॉर्मल सा डायग्राम बना दिया है, ठीक है, तो आप इसे देख के आइडिया ले सकते हो। सेकेंड हमारा आता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, जिसे हम FID बोलते हैं। ये हमारा बेस्ड रहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज। तो जो हमारा पहला था तो वो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज के ऊपर बेस्ड था, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज के ऊपर बेस्ड है। तो दोनों में एक सिंपल सा ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करें, तो जो गैसेज होती हैं तो वो हमारे इंसुलेटर की तरह काम करती हैं, लेकिन वो क्या कंडक्टिव हो जाती हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कई बार ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो आयनाइज नहीं हो पाते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी में जो चेंज आता है, तो वो किसकी वजह से आता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट में अगर आयंस भी अगर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तब भी क्या है उसकी कंडक्टिविटी में चेंज आ जाएगा, और ये डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर लेगा। और इसके लास्ट पॉइंट की हम बात करें, तो ये जो डिटेक्टर होता है ये सभी तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं और केवल फॉर्मिक एसिड को छोड़कर, तो सभी के लिए ये रेस्पॉन्ड करता है। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिन जो क्या डिटेक्ट नहीं किए जा सकते FID के द्वारा। तो उनमें कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड जैसे H2 हुआ, O2 हुआ, N2, SiCl4, H2O, SO2, तो ये हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड है जो क्या FID के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन ये जो कंपाउंड है वो क्या थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बेसिकली। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड रहता है, और जो हमारा थर्मल था वो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड था, और ये जो हमारा रहता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन रहता है, कि जो गैसेज रहती हैं तो वो क्या हमारी आयनाइज हो जाती हैं, और आयनाइज होने के बाद जो आयंस बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो उनको क्या है ये जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है, और उसके हिसाब से जो कंपोजिशन है उसका हम पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, जैसे हम ECD के नाम से भी जानते हैं। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, सिंपल सा डायग्राम है। और ये जो डिटेक्टर रहता है ये किस तरीके से काम करता है, तो ये क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स की एफिनिटी होती है, यानी
एक सैंपल के अंदर जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उनकी क्या है, अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उसके हिसाब से क्या है ये जो हमारा डिटेक्टर है वो काम करेगा हमारा। और वो क्या करेगा कि जो भी उसके अंदर आयंस हैं या जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या उनको कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के बाद और जो कैलकुलेशन है वो क्या रीडर पे शो करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम करता है, बिल्कुल सिंपल मेथड है इसका भी। तो आपको बस पढ़ना है इसके पॉइंट्स को और डायग्राम को देखना है और जाके बना देना है। इट रेस्पॉन्ड ओनली दोज कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स हैव एन एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर है वो ऐसे कंपाउंड्स के लिए रेस्पॉन्ड करता है जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स की एफिनिटी होती है। जैसे हम बात करें क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, एल्काइल लेड और उसके अलावा भी कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें क्या है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो वो ज़्यादा होती है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन कंपाउंड्स के, तो उनके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स की एफिनिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के कंपाउंड्स के लिए क्या ये ज़्यादा अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड कर पाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर होता है तो इसमें क्या रहता है कि जो एक मेटल की फॉइल होती है और वो क्या कोटेड रहती है ट्राइटियम कंटेनिंग कंपाउंड से। ठीक है, तो इस तरीके से वो कोट रहती है। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है कि ये क्या करती है कि जो स्लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको क्या है अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाती है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ हमारी एक रेडियो एक्टिव फॉइल रहती है। ठीक है, जो क्या करती है इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सबसे लास्ट पॉइंट की, तो द बीसीडी इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रेस एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर है ठीक है ECD, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो उनको क्या है उनके डिटेक्शन के लिए और उनके मेजरमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ वाले की, वो हमारा थर्मियोनिक डिटेक्टर। ठीक है, तो ये क्या नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या है आयनाइजेशन और थर्मल, ठीक है, दोनों तरह की जो सिस्टम होता है दोनों तरह का सिस्टम इसके अंदर काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें इसके तो इसे हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन डिटेक्टर, सल्फर डिटेक्टर, फॉस्फोरस डिटेक्टर, हेलोजन डिटेक्टर। और इसके ये जो नाम है ये इसलिए पड़े हैं क्योंकि अगर किसी एक कंपाउंड के अंदर इस तरह के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर हेलोजन, ठीक है, अगर इस तरह के एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो ये डिटेक्टर क्या है उसे आसानी से जो है डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए जो थर्मियोनिक डिटेक्टर है इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर तरह का एलिमेंट अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये क्या उसे आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो वाइडली नॉन एज NPFID। ठीक है, और इसे हम NPFID के नाम से भी जानते हैं, जैसे NPFID यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो डिटेक्टर होता है तो इसका जो इस्तेमाल होता है तो वो क्या है हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो उनके एनालिसिस के लिए भी इसे ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसलिए इसका जो शॉर्ट में नाम होता है वो NPFID डिटेक्टर होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम फोटोमेटर डिटेक्टर की, जैसे हम FPD के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या रहता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये प्रिंसिपल पे काम करता है फोटोन एमिशन पे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं यानी हमारे कुछ फॉस्फोरस और सल्फर कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन रिच फिल्म में यानी कि एक फ्लेम के अंदर हम उसे जलाते हैं, यानी जो फ्लेम होती है वो क्या हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन रिच होती है। तो हम उस फ्लेम के अंदर जो फॉस्फोरस और सल्फर कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम जलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है केमिकल ल्यूमिनेसेंट। ठीक है, यानी केमिकल की क्या एक तरह की वहाँ पे जो लॉ वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक, जैसे हम क्या करते हैं फोटो मल्टीप्लायर जो डिवाइस होती है उससे हम उसे डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उसमें जो फोटोन वगैरह होते हैं उसको हम जो है कैलकुलेट करते हैं। और ये जो डिटेक्टर होता है इसे जो है स्पेसिफिक डिटेक्टर बोला गया है क्योंकि ये केवल फॉस्फोरस और सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं तो उनको जो डिटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो फ्लेम फोटोमेटिक डिटेक्टर होता है तो इसे क्या है रिकॉग्नाइजेशन यानी क्या लोग इसे जानते नहीं है, इसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, क्योंकि इसके कुछ रीजंस है कि इसे जो ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि एक तो इसकी सिलेक्टिविटी, ठीक है, कि इसे जो है सिलेक्टिव बनाना क्या इसे जो है हर चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसे क्या केवल कुछ ही कंपाउंड्स के लिए इसे यूज किया जा सकता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा कम रिकॉग्नाइजेशन मिला है। एक और इसका कारण रहता है कि ये क्या कमर्शियल जो है अवेलेबल नहीं रहता है, इसे क्या है जल्दी से जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है कहीं पे भी अगर इसका इस्तेमाल करना हो, तो इसके दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये जो रहता है इस डिटेक्टर को काफ़ी कम यूज किया जाता है। तो ये हमारे 5 जो है डिटेक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और ये 5 आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इनके जो डायग्राम है वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तो नहीं बनाए, तो जाके आप चेक कर लेना और अच्छे तरीके से खुद से बना के प्रैक्टिस कर लेना, इन्हें आप अच्छे तरीके से समझ लेना। हालांकि ज़्यादा समय नहीं हो, कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनके, बस प्रिंसिपल को आप याद कर लेना किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेटाइजेशन टेक्निक इन गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसे हम समझ लेते हैं कि डेरिवेटाइजेशन टेक्निक क्या होती है।
तो डेरिवेटाइजेशन टेक्निक का मतलब होता है कि जो सैंपल होता है, जैसे हम क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं और कोई भी सैंपल हम उसमें यूज कर रहे हैं, तो क्या कई बार क्या होता है कि जो सैंपल है तो उसका सेपरेशन सही से नहीं हो पाता है, या फिर क्या डिटेक्टर उसे सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सैंपल है उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, हम उसका कुछ ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आसान तरीके से सेपरेशन उसका हो जाता है और जो डिटेक्टर उसे अच्छे तरीके से उसे डिटेक्ट करके उसका जो एग्जैक्ट जो उसका कंपोजिशन है या फिर एग्जैक्ट जो कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट है उनको वो जो है बता देता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि डेरिवेटाइजेशन करते हैं कि जो सैंपल होता है अगर वो सही तरीके से सेपरेट नहीं हो रहा है या कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका कुछ ट्रीटमेंट करके हम उसे जो है अच्छे तरीके से हम उसे जो है मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आसान तरीके से जो है सेपरेट हो पाता है और जो अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेरिवेटाइजेशन होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो टाइप मतलब एक प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन रहता है। प्री कॉलम का सिंपल सा मतलब ये रहता है कि जब हम कॉलम में क्या है सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या है सैंपल का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे हम प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन बोलते हैं। सिंपल चीज़ है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसे रीड कर लेना क्योंकि हर चीज़ को मैं रीड करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डेरिवेटाइजेशन टेक्निक रहती है, तो इससे क्या होता है कि जो सैंपल रहता है, ठीक है, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो हम क्या उसे मोर वॉलेटाइल बना सकते हैं सैंपल को, इसके अलावा वो क्या थर्मोस्टेबल हो जाता है, तो ज़्यादा हीट में भी क्या है वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इससे क्या है जो सेपरेशन होता है वो इम्प्रूव होता है और लेस ट्रेलिंग होती है। तो अगर हम किसी भी सैंपल का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेपरेट हो पाता है। सिंपल से इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन रहता है ये कब किया जाता है, ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कब जो है सैंपल का जो है डेरिवेटाइजेशन किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंपोनेंट इज लेस वॉलेटाइल, तो अगर कंपोनेंट या सैंपल जो है हमारा लेस वॉलेटाइल है तो उसे क्या हम मोर वॉलेटाइल बनाने के लिए हम उसका डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड्स आर हीट सेंसिटिव, तो अगर सैंपल के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड है जो क्या हीट सेंसिटिव होते हैं, जो क्या हीट की वजह से खराब हो सकते हैं, तो इस तरह के सैंपल को भी हम जो है डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं उसका। इसके अलावा उसकी टेलिंग को रिड्यूस करने के लिए और इसके अलावा उसका जो सेपरेशन फैक्टर है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए भी हम क्या है प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ पॉइंट्स। इसके कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, शुगर, फेनॉल, एल्कोहल, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो पोलरिटी है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कर देते हैं और ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ ऐसे रिएजेंट को यूज करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं इनकी पोलरिटी को वो क्या कम कर देते हैं, यानी इन्हें क्या लेस पोलर बना देते हैं। तो कुछ ऐसे रिएजेंट का हम यूज करके जो हम इसकी पोलरिटी को कम कर देते हैं इन कंपाउंड्स की। तो एग्जांपल की हम बात करें तो BSA रिएजेंट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बाई ट्राइमिटाइल सिलाइल एसिटामाइड। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल डेरिवेटिव और ट्राई फ्लोरो एसिटाइल डेरिवेटिव। ठीक है, तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन की। तो हमने प्री पढ़ लिया, उसे क्या हम प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन बोलते हैं क्योंकि वो कॉलम से पहले किया जाता है। ये आता है हमारा पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन, ये हमारे कॉलम के बाद किया जाता है जो ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, जो डिटेक्टर के द्वारा शो किया जाता है तो उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो कुछ हमारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो क्या डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, तो अगर हम डेरिवेटाइजेशन उसका कर देते हैं तब क्या है जो डिटेक्टर है उसे डिटेक्ट कर सकता है उस तरह के कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो आयनाइजेशन और जो एफिनिटी रहती है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स उसे क्या है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इस टेक्निक को जो है ऑनलाइन डिटेक्शन टेक्निक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सैंपल की जो फ्लो रेट होती है उसे ना तो रोका जाता है और ना ही उसे चेंज किया जाता है। ठीक है, और क्या है जब फ्लो हो रहा होता है सैंपल उसी टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसलिए इसे ऑनलाइन डिटेक्शन टेक्निक भी बोलते हैं। तो ये हमारे सिंपल सा क्या है डेरिवेटाइजेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या है फंडा क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग GC, ठीक है, तो ये भी हमारा एक टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से। तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इट इज अ टेक्निक इन विच कॉलम टेम्परेचर इज इंक्रीज आइदर कंटिन्यूअसली और इन स्टेप्स एज द सेपरेशन प्रोसीड। ठीक है, तो जब क्या सेपरेशन हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है कॉलम के अंदर उसे हम इंक्रीज करते हैं। तो या तो हम उसे लगातार इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम क्या उसे स्टेप्स में जो है इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जो सैंपल होता है उसे हमें क्या है वेपर में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम टेम्परेचर को जो इंक्रीज करते हैं कॉलम के अंदर, जिससे क्या जो हमारा सैंपल रहता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो जो टेम्परेचर होता है उसे हम कंटिन्यूअसली उसे बढ़ाते हैं या फिर कुछ स्टेप्स में हम जो है टेम्परेचर को घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्या जो हमारा सेपरेशन रहता है वो हमारा होता है। ठीक है,
और अगर हम क्या करते हैं कि जो कॉलम का जो टेम्परेचर है उसे हम इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो सैंपल है हमारा उसका वेपर प्रेशर क्या बढ़ेगा, और तो वो क्या है फास्टर तरीके से एल्यूट जल्दी हो जाएगा, ठीक है, यानी वो क्या है जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इन गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, ये भी आपको याद रखना है ये पॉइंट, ये क्या है दो नंबर पर पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो इस डेफिनेशन को आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस की। तो एडवांटेज की हम बात करें तो हाई रेजोल्यूशन पावर कंपेयर्ड टू अदर मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या है जो रेजोल्यूशन की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है गैस क्रोमेटोग्राफी में, और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बेटर तरीके से हमें जो है रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो भी हाई रहती है, और इसकी जो एक्यूरेसी रहती है और जो प्रिसीजन रहता है, ठीक है, डिटेक्ट करने का वो क्या हाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एनालिसिस ऑफ सैंपल वेरी क्विकली, ठीक है, तो हम किसी भी सैंपल का जो एनालिसिस है वो काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं, कुछ इसमें मिनट लगते हैं या कुछ सेकंड्स में भी क्या एनालिसिस किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो सैंपल की जो नीड होती है वो काफ़ी कम जरूरत पड़ती है हमें सैंपल की। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो जो वॉलेटाइल जो सैंपल्स होते हैं तो उसमें क्या है लिमिटेड जो हम सेपरेशन कर सकते हैं, या फिर जो एनालिसिस है वो हमारा लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो थर्मली जो लेवल जो सैंपल्स रहते हैं जो क्या हीट की वजह से जो सैंपल जो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह के सैंपल्स के लिए ये थोड़ा सूटेबल नहीं रहता है क्योंकि इसमें हीट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो सैंपल्स बी सॉल्युबल एंड डोंट रिएक्ट विद द कॉलम, तो इसमें क्या है सैंपल सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और वो क्या है कभी कभार कॉलम से रिएक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट बात करें कि जो हमारा गैसियस जो सैंपल रहते हैं तो जब उन्हें इंजेक्ट करते हैं कॉलम के अंदर तो हमें क्या एक प्रॉपर अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सैंपल क्या है कम ज़्यादा भी जो इंजेक्ट हो सकता है, तो गैसियस सैंपल के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। एप्लीकेशंस की हम बात करें तो जैसे हमारे मिसलेनियस एनालिसिस फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स लिपिड्स विटामिन स्टेरॉइड्स ड्रग्स एंड जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू रहते हैं या फिर हमारे को स्ट्रेस एलिमेंट रहते हैं तो उनके एनालिसिस के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। इसके अलावा पॉल्यूटेंट लाइक फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन रहता है हमारा, इसके अलावा DDT रहता है, ठीक है, तो इस तरह के जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं तो उनके डिटेक्शन में भी क्या है ये जो मेथड है ये हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ डेयरी प्रोडक्ट के एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है। और फिर आता है हमारा सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल प्लास्टिक्स नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स पेंट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल्स, तो इन सभी के आइडेंटिफिकेशन में और सेपरेशन में भी इस मेथड का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं उनके एनालिसिस में भी इसका भरपूर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आके फिनिश हो गया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो आप ध्यान से पढ़ लेना और जो रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आना है, तो आप डिटेक्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना और जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना, तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है इसमें से आना ही आना है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, और नेक्स्ट इसका जो चैप्टर आएगा वो हमारा HPLC आएगा, तो उसको जब हम फिनिश करेंगे उसके बाद ही हमारी जो यूनिट 4 है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।